आई एम गोइंग टू टीच यू EVS चैप्टर 14. इन द लास्ट वीडियो आई हैव शेयर चैप्टर नंबर 11, 12 एंड 13 इज़ आउट ऑफ योर सिलेबस, ये आपके कोर्स में नहीं है, तो अब हम 14 करेंगे. चैप्टर 14, एयर अराउंड अस. एयर मतलब क्या होती है? हवा, जो कि हमारे आस पास होती है, अराउंड अस. ठीक है, इस चैप्टर में हम आपको एयर अराउंड अस चैप्टर पढ़ाएंगे. देखिए, एयर इज़ ऑल अराउंड अस. आप सबको पता है कि एयर हमारे चारों तरफ होती है. यू कैन नॉट सी इट, हम उसको देख नहीं सकते. यू कैन फील एयर व्हेन यू, आप एयर को फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो. हवा लगती है आपको, क्या आपको हवा दिखती है कि आपको कहाँ लग रही है, कैसी दिख रही है ये? नहीं, हम उसको सिर्फ फील कर सकते हैं. देखिए, कब कब हम फील करते हैं? फ़ैन योर सेल्फ, जब हम अपने आप को फ़ैन से हवा करते हैं. ब्लो ऑन योर हैंड, अपने हैंड के ऊपर ब्लो करते हैं. या स्टैंड अंडर अ मूविंग फ़ैन, या तो जब हम चलते हुए पंखे के नीचे खड़े होते हैं तो हमको हवा फील होती है. क्लियर है? अब जैसे मान लीजिए कि बहुत गर्मी है, आप फ़ैन के नीचे आके खड़े हो जाओगे तो आपका जो पसीना होता है, जो स्वेट हुई रहती है बॉडी पे, वो ड्राई हो जाता है. किसके हेल्प से होता है? एयर के हेल्प से होता है. क्लियर है? तो हमको वो दिख नहीं रही है, लेकिन हमको अच्छा लग रहा है, वो एयर पास हो रही है, वो एयर हो रही हमारी बॉडी पे जा रही है, तो हमको अच्छा लगता है. लेकिन वो हमको दिखाई नहीं देती, हमको वो सिर्फ फील होता है. अब नीचे देखिए, मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड, जो हवा चलती रहती है, मूव करती रहती है, उसको हम क्या कहते हैं? विंड कहते हैं. इट पुशेस द सेल बोट, ये क्या पुश करता है? सेल बोट, जो कि बोट तैरती है उसको पुश करता है. हवा की हेल्प से जो है वो बोट चलती है. इट हेल्प्स अ काइट फ्लाई, ये पतंग उड़ाने, जैसे अभी आप लोग खिचड़ी में देखे होंगे, जब हवा चलती है तभी आप लोग कहते हो ना कि पतंग अच्छी उड़ रही है. तो पतंग को दूर तक जाने के लिए किसकी हेल्प हमको पड़ती है? एयर की पड़ती है. इट ड्राइज अवर क्लोथ्स, हमारे कपड़े सूखाने में, कपड़े हम बाहर डाल देते हैं तो किसकी हेल्प से कपड़े हमारे सूखते हैं? सनलाइट और एयर, हवा से कपड़े हमारे सूख जाते हैं. टर्न द पेज. अ सॉफ्ट विंड इज कॉल्ड अ ब्रीज, जो कि सॉफ्ट विंड होती है, जो कि हल्की हवाएँ होती हैं, उसे क्या कहते हैं? ब्रीज कहते हैं. समटाइम्स द विंड ब्लोज वेरी फास्ट, कुछ टाइम पे बहुत तेज़ हवा भी चलती है. सी हाउ द लीव्स आर फ्लाइंग इन द पिक्चर, देखिए इस तरह की जो हवाएं चलती हैं जिसमें पत्ते गिर जाते हैं पेड़ के. अ स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड अ स्टॉर्म, उसको क्या कहते हैं? आंधी कहते हैं. स्टॉर्म नाम सुने होंगे ना आप लोग, जब तेज़ हवाएँ चलती हैं जिसमें कि पत्ते फूल सब चीज़ गिरने लगते हैं पेड़ों पर से. अब देखिए, देयर इज़ एयर इन, एयर कहाँ कहाँ होता है? एक टायर में होता है. आपकी साइकिल का टायर पंचर हो जाता है, चाहे कार का हो जाता है, बाइक का हो जाता है, तो आप उसमें क्या फिल कराते हो? एयर जाते हो ना फिल कराने. बलून में होता है, बलून किसके हेल्प से जो है आप मुंह से ब्लो करते हो, उसके अंदर एयर डालते हो ना, तो उस बलून जो है फिल हो जाता है. अ ट्यूब, ये देखिए जो बात ट्यूब है, इस किसके हेल्प से हो रहा है? एयर के हेल्प से. फुटबॉल, फुटबॉल किसके हेल्प से भरता है? एयर के. हर चीज़ एयर के ही, एयर पे डिपेंड होती है. बिना एयर के ये सब सारी चीज़ें बेकार हैं आपकी. अगर इसकी हवा निकल जाती है तो क्या होता है? आपका टायर जो होता है वो पिचक जाता है, आपका फुटबॉल भी काम नहीं करता, आप खेल ही नहीं पाओगे, बलून एकदम से चिपक जाता है. ठीक है. देयर इज़ एयर इन योर लंग्स,